सो मेसन गेन रूल हमारे पास यूज हो रहा है टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द सिग्नल फोग्राफ सो कुछ टर्म्स का जो है वो सिग्नल फ्लोग्राफ के अंदर मेसन गेन रूल अप्लाई करने से पहले कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है उनका पता होना जरूरी है सो so, अब हम देखेंगे कि वो टर्म्स क्या क्या हैं सो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की दैट इज द पाथ सो पाथ बेसिकली उस मेथड uh, को कह रहे हैं इस रास्ते को कह रहे हैं कि आप इनपुट सिग्नल से स्टार्ट होंगे और आउटपुट सिग्नल तक पहुंचेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस, सक्सेशन ऑफ ब्रांचेज आप करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस चलेंगे और इस तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस चलेंगे कि किसी भी एक नोट से आप एक से ज्यादा दफा नहीं पास करेंगे टू टू रीच एट आउटपुट सिग्नल ओके सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस चलना मस्ट है और किसी भी जगह पे आप एक से ज्यादा दफा वापस नहीं आएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आर ऑफ एस से आप चल रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से मैं ये रिवर्स सिग्नल लेता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एरो और इस पॉइंट पे आके दोबारा आगे जाने की कोशिश करता हूँ सो दिस इज रॉन्ग आपने देखा है कि यहां से जब मैं चल रहा हूं तो इस पॉइंट पे चलते हुए इस नोड से मैं पहले गुजर चुका हूँ स्ट्रेट जाते हुए अगर मैं यहां से रिवर्स आता हूँ तो रिवर्स आके इस नोड पे मैं एक से ज्यादा दफा आ रहा हूँ जो कि पाथ की डेफिनेशन के खिलाफ है ओके okay? सो so, इस तरह के जो रास्ते हैं वो पाथ होंगे कि जो इनपुट्स आउटपुट की तरफ जा रहे हैं जिसमें कोई भी नोड रिपीट ना हो अब आपने देखना यह है कि इनपुट आउटपुट तक पहुंचने के इस तरह से कितने जो है वो डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं सो so वो हम अब देखते हैं कि किस तरह कितने पाथ होंगे तो फॉर एग्जाम्पल से चलू तो इस पॉइंट के ऊपर इस से एक सिग्नल इस डायरेक्शन में भी जाता है सिक्स और ये इस पॉइंट पे पहुंच के इस नोट से आउटपुट पे पहुंच जाता है तो so एक पाथ ये हो गया सेकंड पाथ देखा जाए तो इसी तरह से अगर इनपुट से स्टार्ट हो तो इसी तरह से इन डायरेक्शन ऑफ एरस चलते हुए इस पॉइंट से यहाँ से मैं इस माइनस फोर वाली ब्रांच की तरफ से भी होके आउटपुट पे पहुंच सकता हूँ तो एक ये डिफरेंट पाथ हो गया मेरे पास और इसी तरह से थर्ड मेरे पास पास आ जाता है कि अगर मैं इनपुट से स्टार्ट करूँ और सेंटर वाली ब्रांच से स्ट्रेट जाता जाऊँ टूवर्ड्स आउटपुट ओके सो इस तरह से हमारे पास ये तीन पास आ गए हैं जिनको स्पेसिफिकली मैंने कह दिया है पी वन और पी और इसमें आप देख रहे हैं कि इन पाथ के अंदर जो है वो कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रही सो so, इनपुट से आउटपुट की तरफ आप जाएंगे व्हेन नो नोड इज रिपीटेड मतलब किसी भी नोड से आप एक दफा से ज्यादा नहीं गुजरेंगे सो so, नेक्स्ट इतने ये पाथ सारे आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी पाथ है नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट टॉपिक uh, uh, इसमें कॉम्पोनेंट है दैट इज पाथ गेन तो पाथ जो भी आपने स्पेसिफाई किया उस पाथ का कोई गेन है वो पाथ गेन क्या है कि इस पाथ के अंदर आने वाली जितनी ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेस के गेन को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड पाथ गेन फॉर अगर हम पाथ की बात करें तो पी वन पाथ के अंदर एक तो यह पाथ गेन है नेक्स्ट एक ब्रांच आ रही है जिसका है, एक ये आ रही है जिसका पाथ गेन और अगली ब्रांच ये आ रही है जिसका पाथ गेन वन है सो so, अब अगर इन तीनों पाथ गेन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट पाथ गेन ऑफ आई विल गेट पाथ गेन्स इन ब्रांच गेन्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पाथ गेन मिल जाएगा जो कि P1 इज इक्वल टू सिक्स इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे सो so P1 आप किसी भी पाथ को कह सकते हैं सो एंड गेन इज बेसिकली यहाँ पे जो इसको मैंने P1 वन वो पाथ गेन सिक्स हो गया इसी तरह से P2 टू पाथ में देखें तो P2 टू पाथ में आने वाली ब्रांचेस फर्स्ट ब्रांच ये है उसके बाद ये वाली ब्रांच है फिर वन ओवर एस प्लस वन की ब्रांच है माइनस फोर की ब्रांच है और इसी तरह से फिर ये वन की ब्रांच है तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो तो पार्थ टू का पाथ गेन आ सकता तो तो one one है तो ये सारे तीन तो वन वन है तो माइनस फोर ओवर एस प्लस गेन ऑफ सो पाथ का गेन इस तरह से निकलेगा एंड सिमिलरली पी थ्री का जो है वो गेन आप निकालेंगे जो कि इन ब्रांच गेन्स का मल्टीप्लीकेशन होगा सो so ये सारी ब्रांचेस पी थ्री में आ रही है सो इन पी थ्री की इन ब्रांचेस को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द पाथ गेन ऑफ P3 थ्री थर्ड पाथ का गेन मिलेगा सही ठीक है सो so, जिसमें आपके पास जो है वो एस ओवर एस प्लस टू इनटू टू थ्री तो ये थ्री एस ओवर एस प्लस टू हो गया ये फैक्टर और इसी तरह से वन ओवर एस प्लस वन इसका फैक्टर है बाकी वन है सो लेट्स सी यू सी इट्स वेरी सिंपल कि आप पाथ आइडेंटिफाई करें और फिर उन पास के अंदर आने वाली ब्रांचेस के गेम्स को अगर आप आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन गेट यू विल गेट दी पाथ गेन, ओके सो पी वन पी टू पी थ्री के पाथ गेन्स इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे